नमस्कार, मैं हूं ऋचा कमल और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बार फिर से निर्भया कांड को दोहराया गया है। बता दें कि मंदसौर में एक 7 साल की बच्ची के साथ हैवानियत बरपी गई। हैवानियत भी इतनी खूंखार कि शैतान भी देखकर शर्मा जाए। एक छोटी सी बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया है। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। लोगों में आक्रोश छाया हुआ है। मंदसौर में हजारों लोग आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्ची फिलहाल आईसीयू में भर्ती है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार किए गए पहले आरोपी इरफान को गुरुवार शाम को अजाक थाने में बनाई गई स्पेशल कोर्ट ने 2 जुलाई तक की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जबकि दूसरे आरोपी आसिफ को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। आपको यह भी बताते चले कि आरोपियों ने बच्ची को किस तरह अपनी वहशियत का निशाना बनाया। दरअसल स्कूल की छुट्टी होने के बाद लड़की अपने घर जाने के लिए स्कूल के बाहर खड़ी थी, जहां दरिंदों ने नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया और उसके साथ गैंगरेप करने के बाद उसे झाड़ियों में फेंक दिया। बता दें कि मामला 26 जून का है, जहां आरोपियों ने पूरे साजिश के तहत बच्ची को मारने का प्लान भी बना लिया था। वहीं पुलिस ने इस मामले में 27 जून की देर रात को मामले के एक आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर लिया था। आक्रोश में आए लोगों ने इस घटना के खिलाफ मंदसौर में 28 जून को शहर बंद रखा। लोगों का कहना है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। पुलिस विभाग की जांच में जो खुलासा हुआ है वह तो और भी ज्यादा चौंका देने वाला है। दरअसल आरोपियों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने से पहले पूरी प्लानिंग बनाई थी। आरोपी काफी दिनों से स्कूल के मासूम बच्चों पर नजर रख रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने जानबूझकर उस बच्ची को चुना जो कम उम्र की हो और रेप का विरोध ना कर सके। यही नहीं, मंदसौर पुलिस ने अपने चौंका देने वाले खुलासे में बताया कि आरोपियों ने बच्ची के बर्बरता की पूरी योजना बनाई थी। यही नहीं, उन्होंने गैंग रेप के बाद काफी देर उन वस्तुओं की तलाश की जिससे उसके प्राइवेट पार्ट्स को नुकसान पहुंचाया जा सके। गला काटने के बाद वे लोग कथित रूप से शराब पी रहे थे, जबकि बच्ची का खून बह रहा था। बता दें कि बच्ची कक्षा 3 की छात्रा है। वह एक निजी स्कूल में पढ़ती है। जब बच्ची स्कूल के बाहर खड़ी थी, तभी एक लड़का आता है और उसे कैंडी का लालच देकर उसे अपने साथ ले जाता है। आप सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह से दरिंदा अपने साथ नाबालिग बच्ची को अपने साथ ले जा रहा है। आगे आगे आरोपी और पीछे से छोटी सी मासूम सी, जिसे ये तक नहीं पता था कि वह जिसके साथ जा रही है वह एक बहरूपिया है जो उसे लालच देकर उसके साथ हैवानियत पर उतर आया है। बुधवार 26 जून की शाम तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची, तब पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना संबंधित थाने में दी। उसके अपहरण होने की सूचना पर बच्ची की तलाश में पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाया। शिनाख्त के दौरान बच्ची शहर के बस स्टैंड के पास लक्ष्मण दरवाजे के झाड़ियों में घायल अवस्था में पड़ी मिली थी। बच्ची को मंदसौर में इलाज के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। मामले की जांच कर रहे एसपी मनोज सिंह ने दूसरे आरोपी के बारे में बताते हुए कहा, एक स्कूली बच्ची ने लड़की का अपहरण करने वाले दूसरे आरोपी को देखा था। वह नारंगी रंग की टी शर्ट पहने हुए था। सीसीटीवी फुटेज में इरफान को नीले रंग की शर्ट पहने देखा गया था। जांच पड़ताल के दौरान इरफान ने स्वीकार किया है कि उसने अपने मित्र आसिफ के साथ मिलकर इस हैवानियत की साजिश रची थी। फिलहाल उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बीजेपी विधायक ने गम में डूबे पीड़ित परिवार से सांसद के मिलने पर उनसे धन्यवाद करने को कहा। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आरोपियों को फांसी होने की बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपियों को दरिंदा करार देते हुए शुक्रवार को कहा, ये दरिंदे धरती पर बोझ हैं, ये धरती पर जीवित रहने के लायक ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, बलात्कार के मामलों में हमने प्रदेश में फास्ट ट्रैक अदालत में कार्रवाई करने के प्रावधान किए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी इस प्रकार के प्रावधान करने का अनुरोध किया है, ताकि इस तरह के अपराध करने वाले आरोपियों के खिलाफ शीघ्र अदालती कार्रवाई
कर उन्हें फांसी की सजा दी जा सके। सूबे के मुखिया का कहना है कि यह दर्दनाक घटना है, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और पीड़िता की हालत पर लगातार ध्यान दे रहे हैं, उसकी हालत में सुधार हो रहा है और मैं डॉक्टरों के संपर्क में हूँ। उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत भी हैं। इस मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में चलाया जाएगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आरोपी को शीघ्र से शीघ्र फांसी की सजा दिलाई जा सके। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची के साथ बलात्कार होने की पुष्टि की है। बता दें कि पीड़ित बच्ची इंदौर के शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय के बाल शल्य चिकित्सा विभाग के वार्ड में भर्ती है। बच्ची के इस हालत को देखते हुए मुस्लिम समुदाय भी गुस्से में है। मुस्लिम समुदाय ने घटना की निंदा करते हुए आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं पीड़ित बच्ची के इलाज में किसी तरह की कोई हीला हवाली न बरती जाए, इसलिए सीएम शिवराज चौहान खुद निगरानी रखे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। गुस्साए वकीलों ने भी आरोपी का केस लड़ने से साफ मना कर दिया है। घटना के बाद मंदसौर में लोग आक्रोशित हैं। मुस्लिम समाज की आक्रोशित महिलाओं ने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने के बाद उसे कब्रिस्तान में ना दफन किए जाने की बात भी कही है। ऐसे हुई थी निर्भया की हत्या। 16 दिसंबर 2012 का वो दिन जब मूवी देखकर निर्भया अपने मित्र के साथ घर लौट रही थी। वह जिस बस से घर जा रही थी उसी बस में 6 हैवान भी थे जो अपनी हैवानियत पर आमदा हो गए। उस बस में निर्भया अकेली थी। वह चीखती चिल्लाती रही और उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। शाम का समय था जब दरिंदों ने निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया। यही नहीं, उनमें से एक ने जंग लगी लोहे की रॉड निर्भया के प्राइवेट पार्ट में डाल दी थी, जिसके चलते निर्भया की आंतें शरीर से बाहर निकल आ गई थी। खून से लथपथ लड़की जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। बाद में उन शैतानों ने निर्भया और उसके साथी को दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर के नज़दीक वसंत विहार इलाके में चलती बस से फेंक दिया था। मंदसौर घटना में अब सवाल ये उठता है कि आरोपी को उस लड़की से क्या दुश्मनी थी, आखिर क्यों उस छोटी सी बच्ची को अपनी वहशियत का शिकार बनाया। फिलहाल आज की खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।